ये वर्कर है, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है जी ये बंदे। इन ढकना है उस कूलर वाले बंदे नु, चेक करें क्या, चेक करें ये क्या है। क्या एक और, एक दो तीन चार पाँच, ये कौन सा तरीका है, ठीक है इनको इनको गाड़ी की तरफ भेजें बस, बाइक ले लो। ये पुलिस ने देखे जी एक ऐसा कूलर बरामद किया है जिसमें मंशात है, और मंशात के वाले से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी एक कूलर मिला है लड़के से, उसको तो फौरी तौर पर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है, और ये पैकेट काफ़ी हैं। ये कैमरा मैन अंदर दिखाए, कैमरे देखे जी कितने बैग अंदर छुपा के रखे हुए हैं, और तरीका देखे मंशात फरोशों का कि कूलर के ज़रिए ये मंशात की सप्लाई दी जा रही है। इसके पहले हरबंसपुरा पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई भी की, जो एसी का आउटडोर होता है, आउटर जो होता है उसमें से भी मंशात बरामद की, फिर बैग में से भी शराब बरामद की। सर जी ये कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पुलिस को पागल समझते हैं? ये पुलिस को चकमा देने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसने कितने आसान तरीके से आगे रख के लेके आ रहा है कि जैसे पुलिस चेक नहीं करेगी रूटीन में। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कार्रवाई की जिसमें वो एसी का आउटडोर इस्तेमाल किया हुआ था उसने। बिल्कुल ठीक है, एसी के आउटडोर में से उसने मंशियात जो थी वो निकाली। तो सिंपल देखने में तो था कि एसी लेके जा रहा है, जब उसको चेक किया गया तो उसके आउटडोर से सारी मंशियात बरामद। देखिए अब किस तरह चकमा देने की मंशियात फरोशों की तरफ से कोशिश की जाती है कि पुलिस को चकमा देकर मंशियात की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाए, नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेकर जाया जाए, और ये ताजिर चंद पैसों के बस ये मंशियात की सप्लाई नौजवानों तक पहुंचाते हैं, और फिर नौजवान नस्ल इस दहाने पर पहुंच चुकी है कि उनको अपना नहीं पता होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। छोटे बड़े की लिहाज करना तो दूर की बात, वो पुलिस के सामने भी बदतमीजी के साथ पेश आते हैं जब उनको पार्टी से निकलते हुए चेक किया जाता है या मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। सच्ची एक्सटीसी गोलियाँ भी बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, उनके खिलाफ भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हों? बिल्कुल, हम आपसे शेयर करेंगे, जैसी कैसी इन्फॉर्मेशन भी आएगी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। और आपके ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह पुलिस अपना फ़र्ज़ निभा रही है, वालदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज़ में जो बच्चे जाते हैं उनको लुक आफ्टर करें इन चीज़ों को, ताकि हमारे बच्चे जो इस जैसी डांस से बच सकें। बिल्कुल ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मज़ीद हम चेकिंग के लिए हरबंसपुरा पुलिस के साथ इधर ही मौजूद हैं, और रात के जो भी कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखी जाएगी। हाँ जी, हाँ भाई, क्या पहना हुआ है इसने, क्या पहना हुआ है? हाँ बस मैंने गाड़ी छोड़ दिया, पैदल आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्या ठीक हो गया? बैग इसने कंधे पे लटकाया हुआ है, किस कलर का बैग है? ब्लैक कलर का। हाँ पहुँच गया, चले आ रहे हैं। बिल्कुल, इनको इत्तला मिल चुकी है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, अब ये बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह ये कामयाब होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, पुलिस ने घेरे में ले लिया है, और फिर पुलिस कामयाब हो चुकी है, और जिस तरह इन्फॉर्मर की तरफ से इत्तला मिली थी उसी तरह इसको दबोचने में पुलिस कामयाब हो चुकी है। हरबंसपुरा पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है, और मशकूक शख्स को गिरफ्त में ले लिया गया है, और बैग भी कब्जे में ले लिया है। बैग में मंशियात है या कोई और ही चीज़ हो, पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ें हो? इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मंशियात हो। देखिए जी अंदर बर्तन भी छुपाए हुए हैं, मंशियात भी है। ये जी ऐसे जो हरबंसपुरा की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली थी और कार्रवाई अमल में लाई गई है, एक नहीं दो नहीं तीन चार, ये अब पैकेट आप देख रहे हैं, ये मंशियात के पैकेट हैं, ये नौजवान नस्ल की तबाही का जरिया बनते हैं। हम इस मंशियात से दूर रहेंगे तो यकीनन हम अपने वालदैन के लिए भी एक अच्छे तरबियत का और सबूत होने का देंगे कि ये हम
इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम ये मंशात का इस्तेमाल करेंगे, बैग में मौजूद हैं और अब बैग को कब्जे में लेकर इस मुल्ज़िम से मज़ीद तफ्तीश भी की जाएगी, ये कार्रवाइयाँ रुकनी नहीं है। अभी हम मज़ीद हरबसपुरा पुलिस के साथ कार्रवाई अमल में लाएँगे और क्योंकि इनको अहकाम जारी किए गए हैं अब थानेवाला की तरफ से कि कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए और एक के बाद एक कामयाब रेड की जाए। तो देखते हैं अब मज़ीद कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। सर, ये एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है जी जी। और ये इन्फॉर्मर का इन्फॉर्मेशन देना और फिर पुलिस का कार्रवाई अमल में लाना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इन्फॉर्मर को किस तरह आप अकोमोडेट करते हैं, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है? ये पुलिस के ऊपर इनका अतमाद होता है इन्फॉर्मर का, कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसको सीक्रेट रखते हैं। और ये हमारा एक असासा है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पहुंच से दूर होती है, जो इस तरह के लोकल लोग जो हमें इन्फॉर्म करते हैं, जिससे बहुत सी रहनुमाई मिलती है जी। ये लोकल होते हैं। ओके। और ये इससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है हमें, इससे जो कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते और वो पब्लिक के बंदे को बात का आइडिया होता है और वो जो हमारा इन्फॉर्मर होता है वो हमारे तक डिलीवर करता है। इसका मतलब है हमारी आवाम एक ऐसी कौम है जो पुलिस के साथ तावन भी करने में पेश है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से लोग डर भी जाते हैं कि पुलिस को इतला देंगे तो उनका नाम आ जाएगा, फिर वो दुश्मनी बन जाएगी। पुलिस जो है वो अपने इन्फॉर्मर भाई इसको गाड़ी में आप भेज देना, इन्फॉर्मर का नाम नहीं देते, ठीक है? इस इन्फॉर्मर को हम सीक्रेट रखते हैं और ये किसी को कोई भी हमसे पूछने का पाबंद भी नहीं है। बिल्कुल, हम किसी को बताने के पाबंद भी नहीं है, किसी भी लेवल बताने के पाबंद नहीं है। तो लिहाजा इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप देखें कि गैर कानूनी और मशकूक सरगर्मियाँ हो रही हैं तो मुकामी थाने को इतला दी जाए और फिर प्लीज अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, उसका नाम भी छुपाए और मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो। हमें जो इन्फॉर्मेशन थी ये 15 kg से ज़ाहिर जो 15 पैकेट जो है चर्च के हैं और 1 पैकेट जो को आइस का है, इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो अंदर आइस भी मिली और चर्च भी मिली है, दोनों चीज़ बिल्कुल ठीक है जी। हरबंसपुरा पुलिस कामयाब हो चुकी है, अब मजीद गश्त करते हैं हरबंसपुरा पुलिस के साथ मिलके और देखते हैं कि और कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। हरबंसपुरा पुलिस ने एक कार्रवाई को यकीनी बनाया है और अब हम नाका पर मौजूद हैं पुलिस के साथ और हरबंसपुरा पुलिस मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने के लिए मुख्तलिफ मोटरसाइकिल सवारों को रोक रही है, गाड़ियों को रोक रही है और चेक कर रही है कि कोई इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं पाया जा रहा, मशकूक सरगर्मी में मुलविस तो नहीं पाया जा रहा, क्योंकि लाहौर शहर में डकैती चोरी और दीगर जो वाक़ात हैं उनमें इजाफा हो रहा है और लाहौर पुलिस ने अब स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है और आज इनका हदफ है कि मनचाज फरोशों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उसी सूरत में ये नाका लगाया गया है और SHO खिदरवाला भी अब नाके पर मौजूद हैं, अपने थाने के हदूद में नाकाबंदी कर रखी है इन्होंने और एक के बाद एक मोटरसाइकिल को चेक किया जा रहा है। आप को क्यों रोका है पुलिस ने? चेक करने के लिए। चेक करने के लिए जी सर। तो पुलिस का बनता है ना चेक करना? बिल्कुल, क्यों माइंड तो नहीं किया आपने? नहीं सर।